दर्शकों तुसी देख रहे हो पंजाब न्यूज़ से, मैं हरजीत कौर। अज असी अकाल तख्त साहब पहुँचे हाँ, जिथे तुहानू दिखावांगे कि किस तरह अकाल तख्त साहब की मान मर्यादा चलाई जाती है। जिस हिसाब के नाल असी गुरु साहिबाना के शस्त्रां की गल करते हैं कि किस तरह गुरु साहिबाना ने पुरातन शस्त्र जिहड़े कि अपने बड़े प्यार ते सत्कार नाल संभाल के रखे, उन्होंने गुरसिखां दे शस्त्र भी जिहड़े मौजूद सीगे। तां तुसी पहलां अंदर एक झात मार सकते हो कि किस तरह अज इत्थे असी पहुँचे हुए हाँ, जिथे पलंगा साहिब देखो किने सतिकार दे वजो रख्या गया है कि किस तरह गुरु साहिबाना दे शस्त्रां दे दर्शन करवाए जाते हैं। तो यह सारा असी तुहानू उस शस्त्रां दे दर्शन करवावांगे कि किस तरह गुरु साहिबाना दे शस्त्रां दी सतिकार वजो देखो किन्ने प्यार सतिकार दे नाल इत्थे सजाए गए ने। उस तो पहला तुहानू असी दिखाने कि चंदोआ साहिब भी उपर लगा होया, पलंगा साहिब लाया होया, जिन्हां ते शस्त्र सुशोभित किए जाते हैं। अमृत वेले आपां कहीए कि जदों प्रकाशमान करके संगतां नूं दर्शन करवाए जाते हैं, तो नाल ही संध्या वेले उन्हां दे सुख आसन इस पलंगा साहिब ते सुशोभित किए जाते हैं शस्त्र। तो देखो किन्ने सत्कार दे वजो शिंगार भी उत्थे रखे हुए, हार शिंगार जिहड़ा आपां कहिंदे आ कि वह सारा सतिकार दे वजो लाया गया, उपर चंदोआ साहिब लगा होया। तो यह सारा ही तुहानू दिखावांगे कि किस तरह अज वो पुरातन शस्त्र की सांभ संभाल की जाती, तो किवें उन्हां दी मर्यादा जिहड़ी वह बहाल की जाती आ। तां वह भी तुहानू असी खजाने दिखावांगे जिन्हां दे विच शस्त्रां नू रखिया जांदा है। ते नाल तुसी देख सकते हो कि इत्थे सुख आसन वेले जदों सुशोभित कीती जांदी है ते पलंगा साहिब ते सारे ही शस्त्रां नू विराजमान। साडे नाल हैड ग्रंथी ज्ञानी गुरमुख सिंह जी अकाल तख्त साहिब दे वह मौजूद ने, जिहड़े सानू पावन शस्त्रां दे दर्शन करवाउणगे। सब तो पहला तुसी देख सकते हो कि किस तरह एक सतिकार दे वजो हत्थां दे विच वी ग्लव्स पाए हुए ने श्री साहिब, जिहड़ी उन्हां ने पलंगा साहिब ते रखी है। जिस तरह गुरु साहिबाना की सी गल करते हैं, तो साढ़े नाल इधर वीर जी भी मौजूद ने, जिहड़े कि सारे शस्त्रां बारे सानू दसणगे, असीं उन्हां नाल गलबात करांगे। साढ़े सामने तुसीं देख सकते हो कि साढ़े बहुत ही सतिकारयोग ज्ञानी गुरमुख सिंह जी अकाल तख्त साहिब दे हैड ग्रंथी जी, जो शस्त्रां नूं विराजमान कर रहे ने, जो गुरु साहिबाना दी मीरी अते पीरी दा सिद्धांत सी, उन्हां ने जो तलवारां पहनियां सी, तां ओह वी तलवारां अज पुरातन तलवारां किरपाना साढ़े सामने मौजूद आ, वह भी तुसी देख सकते हो कि जिहड़े सुशोभित कीती जांदे आ। संध्या वेले ते असीं गल कर रहे हां कि जदों एक पावन शस्त्रां दे उन्हां नूं विराजमान किया जाता, सुशोभित किया जाता संध्या वेले, तो यह सारे ही दर्शन असी तुहानू दिखा रहे हां कि किस तरह जिहड़े करवाए जाणगे। उस तो पहला विराजमान किए जा रहे ने पलंगा साहिब ते, सो सारे ही तुसी देख सकते हो कि शस्त्रां नूं विराजमान किया जा रहा, जो जो गुरु साहिबाना अते गुरु सिखां दे जो शस्त्र सीगे उन्हां दे तुहानू दर्शन करवा रहे हैं कि किस तरह उपर चंदोआ साहिब लाया गया, तो नीचे हार शिंगार भी पूरा एक सतिकार दे वजो, शस्त्रां दे सतिकार दे वजो, जिहड़ा पलंगा साहिब दे उपर सिरहाणियां दे उपर तुसी देख सकते हो कि किन्ने प्यार दे सतिकार दे नाल सजाए गए ने। नाल मीनाकारी भी तुसी देख सकते हो, पलंग दे उपर किन्नी सोहनी मीनाकारी कीती हुई है, नाल फुल भी गुलदस्ते भी रखे गए ने। एक पूरी अगर असी इमारत की गल करते हैं तो एक बड़े वधिया तरीके ना वो इमारत सजाई गई है, वो साडा आपां दरबार साहिब कह सकते हाँ कि जो शस्त्रां दे पावन स्वरूपां नूं सुशोभित किया जाता है, तो वह तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं कि किन्ने वधिया तरीके नाल ये सारिया जिहड़े शस्त्र आ उन्हां दे दर्शन जिहड़े वो कराए जाणगे, तो तुहानूं दिखावांगे। सो तुसी देख सकते हो कि जिस तरह हत्थां दे विच शस्त्र फड़े हुए, वो एक एक शस्त्र बारे असी जानकारी लवांगे जो सुशोभित किए गए ने। साडे नाल वीर जी मौजूद आ, असीं गलबात कर लांगे इहनां नाल। वीर जी भाई वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतेह। जो सुशोभित किए गए आ पलंगा साहिब दे शस्त्र, असीं चाहुंदे कि सानूं उहनां दी संखेप जानकारी जो सजा रहे ने उहनां बारे। दो श्री साहब आमो सामने पे है, एक नंबर तो दो नंबर, वो मेरी पैर के मालिक साहब श्री गुरु हरगोबिंद सिंह
एक साहब की छेवें पातशाह मीरी का, दूसरा पीरी का है साहब श्री गुरु साहब हर गोबिंद सिंह ने मीरी के पीरी दो श्री साहब धारण करके श्री अकाल तख्त श्री सजना की संगतान शस्त्र तारी होने के हुक्मनामे जारी किए। सो देख सकते हो सिंह साहब ज्ञानी गुरमुख सिंह जी वालों जो शस्त्र सुशोभित किए गए हैं संध्या वेले दरमाला साहिब पाकर उपर हुण अरदास बेनती की जाती है। जिस तरह असी गुरु साहिबाना के सुख आसन करते हैं तो उस ही तरह शस्त्रां नूं भी अदब सत्कार दिता जा रहा, उन्हां दे भी सुख आसन करके अरदास बेनती करके तुसी देख सकते हो कि मर्यादा तो सत्कार जिहड़ा उह दिता जा रहा है। ये तस्वीरां ये वीडियोज़ तुहाडे तक पहुँचाउण की कोशिश कर रहे हैं तां जो देश विदेश बैठी जिहड़ी संगत हैगी आ उह इहदा आनंद माण सके, इन्हां शस्त्रां दे दर्शन कर सके। तो जिस तरह ये पूरा दरबार साहब सजाया होया वह भी तुहाडे रूबरू कर रहे हैं कि किन्ने वधिया तरीके नाल हर एक मर्यादा इत्थे रखी जाती है। अजे भी कई लोगों के मन के जो भुलेखे से वह दूर जरूर हो जाएंगे क्योंकि अज असी सानू भी ये मौका मिलिया कि असी इस पावन शस्त्रां दे भी दर्शन किए हैं तो नाल ही पावन जो पुरातन बीड़ा सी तां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दियां उन्हां दे भी दर्शन किए तो तुहाडे तक भी वह दर्शन पहुँचावे कि किस तरह जदों घल्लूघारा वापरिया जून 1984 साका वापरिया तो वह गुरु ग्रंथ साहिब जी जिन्हां ते गोली लगी सी तां उह वी इत्थे दर्शन जिहड़े 1 जून तो 5 जून तक कराए गए सी, असी वांझे रह चुके सी पर कई सोशल मीडिया ते वीडियोस तुसी देखियां कि किस तरह वह दर्शन जिहड़े करवाए गए सी। सो सिंह साहब जी तुसी देख सकते हो कि अरदास बेनती करके सुख आसन जिहड़ी आपां कह सकदे आं प्रवानगी की जा रही है। सो दर्शकों जिवें तुसी देखिया कि किस तरह तुहानू अज असी पावन शस्त्रां दे दर्शन करवाए पुरातन शस्त्र जिहड़े कि गुरु साहिबाना ते गुरसिखां वेले दे सीगे तां अज असी अकाल तख्त साहिब ते मौजूद सीगे जिथे तुसी देख सकते हो साडे नाल सिंह साहब ज्ञानी गुरमुख सिंह जी मौजूद ने हैड ग्रंथी अकाल तख्त साहिब जी दे ते नाल तुसी देख सकते हो असी बड़े उपरली बिल्डिंग ते आए हां, असी सब तो उपर अकाल तख्त साहिब ते मौजूद हाँ ते सामने साडे दरबार साहिब तुसी देख सकते हो जिथों बड़े वधिया तरीके नाल दसदे इत्थे पता लगदा सीगा कि किस तरह मीरी ते पीरी दी दो तलवारां धारण कीतियां तां उह निशान साहिब भी अज भी मौजूद ने, तुसी देख सकते हो कि किस तरह उह निशान साहिब झूल रहे ने एक पासे हरिमंदर साहिब दूजे पासे उह निशान साहिब ते तीजे पासे सी अकाल तख्त साहिब ते मौजूद आ। तां नाल साडे ज्ञानी साहिब जी मौजूद ने, असीं गलबात कर लांगे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਇਹ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਰੂਹਾਨੀ ਅਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਦਾਰ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਇਸ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਕਾ 1984 ਦੇ ਉਹ ਮਹਾਨ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਨ 2014 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪਾਵਨ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਓ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈਏ। ਬੜੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਜੀ। ਦਰਸ਼ਕੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਵਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੂਨ 1984 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ 5 ਜੂਨ ਤੱਕ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਕਾ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ।
बड़ी भेद भरी हालत के प्राप्त किए गए पर बड़ी सांभ संभाल के नाल ज्ञानी गुरमुख सिंह जी वालों इतने सुशोभित किए गए हैं। उन्होंने जिस तरह वह आप कह सकते अंग फट गए से तो उन्होंने भी जोड़न का काम जिहड़ा किया गया से किस तरह वह बाणी के अंगों बखेरिया गया सी वो सारे ही इन्होंने एकत्र करके इतने बड़े ही प्यार ते सत्कार दे नाल उस सुशोभित किए ने आओ तुहानू भी दर्शन करवाते हैं। बने रहो पंजाब न्यूज़ के नाल। सन 1984 जदों सचखंड श्री हरिमंदर साहिब अते श्री अकाल तख्त साहिब जी ते हिंदुस्तान की जालम कांग्रेस सरकार ने हमला किया उस समय यह धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन स्वरूप प्रकाशमान सन। 4 जून 1984 गुरु साहिब जी के जदों सिख संगत दर्शन की दार कर रही सन ता दक्षण की बाही जिस पासे सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के अंदर बीबिया की संगत बैठ के गुरबाणी का कीर्तन सरवण करती है उस पासे तो यह मशीन गन की गोली चल के आई दरवाजा पाड़ के ये धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज के पावन सीने में आके लगी जो इस चैनल के माध्यम के राही दुनिया भर में गुरु नानक नाम लेवा सिख संगत दर्शन कर रही ने इस जगह पर गुरु साहब जी के पावन सीने 4 जून 1984 वाले दिन आके गोली लगी जो आप जी ने पहला दिखाई गई है। इन्हों पावन स्वरूपां की सेवा संभाल श्री अकाल तख्त साहब जी की सब तो उपरली मंजिल से गुरु साहब जी की मान मर्यादा अनुसार की जा रही है। आप दर्शन की दार करो। ये धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज के पावन सीने चो गोली का सिक्का कढ़िया गया साका सन 1984 जदों सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के अंदर ये पावन स्वरूप प्रकाशमान सन उस समय 4 जून 1984 यह गोली गुरु साहब जी के पावन सीने में आके लगी जो आप इस वक्त देख रहे। सो दर्शको तुसी देख सकते हो कि जिथे पावन स्वरूपा दे तुहानू दर्शन करवाए गए कि वह गुरु ग्रंथ साहिब जी जिहड़े कि 1984 दे विच प्रकाशमान सी तां किस तरह उन्होंने गोली लगी पर उपर तुसी देख सकते किस तरह चंदोआ साहिब जिहड़ा सजाया गया पलंगा ते तुसी देख सकते पलंग ते गुरु ग्रंथ साहिब जी विराजमान ने तो दूजे सज्जे ते खब्बे पासे भी तुसी देख सकते हो कि जिहड़े पावन स्वरूपा दे अंगा दी सांभ संभाल की जा रही है उन्होंने उपर भी चंदोआ साहिब बड़े अदब ते सत कार दे नाल तुसी देख सकते हो लाया गया हैगा ते इत्थे भी तुसी देख सकते हो कि इधर जिहड़ी टैक्निकल तरीके दे नाल वर्क जिहड़ा कीता जा रहा आने वाले समय दे विच जरूर संगतां नूं असी दर्शन करवावांगे कि किस तरह इत्थे सारा पूरी देख रेख दे विच ते मान मर्यादा दे विच जिहड़ा इत्थे आपां कह सकदे अंगा दी सांभ संभाल ते नाल ही देख रेख की जाती सारा ही तुहानूं आने वाले समय दे विच दर्शन जरूर करवावांगे। सो तुसी देख सकते हो कि किन्ने प्यार ते सत्कार दे नाल इत्थे हर मर्यादा नूं बहाल किया होया ते गुरु साहिब जी दे पावन गुरु ग्रंथ साहिब जी दे सरूप दे उपर भी तुसी देख सकते हो किस तरह हार शिंगार दे विच इक सत्कार दे वजो किन्ने वधिया तरीके नाल जिहड़े उपर सुशोभित किए गए ने तां इह वी तुहानूं असीं सारे दर्शन है जिहड़े करवा रहे हैं साडे सिंह साहब ज्ञानी गुरमुख सिंह जी भी जिन्हां ने सानूं दर्शन करवाए तो बड़े अदब ते सत्कार दे नाल इत्थे सेवा संभाल है जिहड़ी उह कीती जा रही है पावन सरूपा दी तो देख सकते हो तुसीं इत्थे कंप्यूटर भी पिया होया आने वाले समय दे विच जरूर तुहानूं इह पूरे
संखेप दे विच सारी जानकारी ते नाल इत्थे दर्शन जिहड़े उह दुबारा करवावांगे। सो बने रहो पंजाब न्यूज़ दे नाल। इसे ही तरह तुहानू सारे दर्शन दीदारे अकाल तख्त साहिब ते हरिमंदर साहिब ते जो भी साढ़े इतिहासिक गुरधाम ने असीं उहनां दे भी दर्शन जिहड़े उह तुहानू कराउंदे रहांगे। सो बने रहो पंजाब न्यूज़ दे नाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।